हाय व्यूअर्स, आज का हमारा गेम है बास्केटबॉल। तो आज हम बास्केटबॉल के बारे में पढ़ेंगे और आज जितने भी मेजर गेम्स थे मैंने सबके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। बस दो या तीन गेम बचे हैं जिसके बारे में मैं और डिस्कस करना है, तो इस वीक मैं वो भी गेम सारे कवर कर दूंगी। और इस संडे को मैं आपके सामने बताया हुआ था प्रीवियस वीडियोस में कि मैं एक चार्ट लेकर आऊंगी कि कौन सा गेम कब इंक्लूड हुआ है ओलंपिक्स में, एशियंस में, कैसे हम क्विकली और फास्टली किसी गेम को तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने बताया था, एक चार्ट बताया था, तो वो चार्ट मैं संडे को प्रेजेंट करूंगी आपके सामने। एंड वन मोर थिंग कि मैं इंस्टाग्राम पे, मेरा इंस्टाग्राम पेज जो है एजुकेशनल यूट्यूबर, आप प्लीज़ उसको भी फॉलो करिए क्योंकि मैं उसमें वीकली बेसिस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देती रहती हूँ, तो वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज का हमारा टॉपिक जो है बास्केटबॉल। आज हम बास्केटबॉल के बारे में पढ़ेंगे। बास्केटबॉल में क्या क्या पढ़ना है हमको, बास्केटबॉल का मेजरमेंट पढ़ना है, बास्केटबॉल की हिस्ट्री पढ़ेंगे हम, इसकी चैंपियनशिप्स पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल भी देखेंगे हम। चलिए, बास्केटबॉल का पहले मेजरमेंट देखते हैं, उसका कोड देखते हैं, उसकी मेजरमेंट देखते हैं। तो बास्केटबॉल में सबसे पहले पूछा जाता है कि बास्केटबॉल के कोर्ट की लेंथ और विड्थ कितनी होती है। बास्केटबॉल कोर्ट की लेंथ और विड्थ कितनी होती है, तो इसकी लेंथ होती है 28 मीटर और इसकी विड्थ होती है 15 मीटर। आप लोगों को पता है इसको साइड लाइन बोलते हैं या बेस लाइन बोलते हैं, इसको एंड लाइन बोलते हैं, जो कितनी है 15 मीटर है और साइड लाइन कितनी है 28 मीटर है। ये क्या होती है, सेंटर लाइन होती है। सेंटर लाइन क्या होती है, जो कोर्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है उसको सेंटर लाइन बोलते हैं। जब टोटल लेंथ इसकी 28 मीटर है तो इसकी हाफ क्या होगी, 14 मीटर। तो सेंटर लाइन से एंड लाइन की डिस्टेंस कितनी होगी, 14 मीटर। अब इसमें इंपॉर्टेंट कुछ देखते हैं। ये सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, ये होता है रिस्ट्रिक्टेड एरिया। क्या बोलते हैं इसको, रिस्ट्रिक्टेड एरिया। ये होता है टू पॉइंट गोल एरिया। ये जो आप देख रहे होंगे हाफ सेमी सर्कल में है, ये टू पॉइंट गोल एरिया बोलते हैं इसको। ये होती है फ्री थ्रो सर्कल। क्या होती है, फ्री थ्रो सर्कल। यहाँ पर बास्केट रिंग लगी होती है। अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, एक मैंने और बनाया हुआ है, उसमें मैं दिखाऊंगी कैसे बास्केट पर बास्केट रिंग होती है। ये होता है सेंटर सर्कल। इसकी डायमीटर कितनी होती है, 3.6 मीटर और इसकी रेडियस होती है 1.8 मीटर। अब इसके मेजरमेंट्स देखते हैं हम लोग कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया की लेंथ कितनी होती है, तो 4.90 और इसकी हाइट कितनी होती है, 5.80 मीटर। इसकी लेंथ कितनी होती है, 4.90 मीटर और इसकी हाइट कितनी होती है, 5.80 मीटर। अब जो बास्केट रिंग से ये टू पॉइंट गोल एरिया तक की डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 6.75 मीटर। कितनी होती है, 6.75 मीटर। इसका बेसिकली इसमें जो पूछा जाता है बास्केटबॉल में, इसकी मेजरमेंट ही ज़्यादा पूछी जाती है कि इसकी लेंथ और वेट कितनी होती है। आप लोगों को ये याद रखना है कि 28/15 मीटर होती है। कभी पूछ लेते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया का वो बताइए, लेंथ या हाइट बताइए, तो लेंथ इसकी कितनी बताई, 4.90 मीटर और इसकी हाइट कितनी बताई, 5.80 मीटर। बास्केट रिंग की डिस्टेंस कितनी बताई हमने टू पॉइंट गोल एरिया से, तो 6.75 मीटर। अब ये जो फ्री थ्रो सर्कल होता है इसकी क्या, इसका क्या होता है, 1.80 मीटर होता है। कितनी होती है, 1.80 मीटर। और जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया से एंड लाइन की डिस्टेंस होती है वो 5.05 मीटर होती है। कितनी होती है, 5.05 मीटर दोनों साइड से। तो ये इसका मेन इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि बास्केटबॉल का पूछा जाता है कि इसकी लेंथ और विड्थ कितनी होती है, तो 28/15 मीटर होती है। अब इसकी बास्केट रिंग को तो डिटेल में देखते हैं। ये बास्केट रिंग होती है, आपने देखा होगा बास्केट रिंग कैसी होती है, कुछ उसमें लगी होती है, एक रेक्टेंगुलर बोर्ड होता है उसमें लगी होती है। ये रेक्टेंगुलर बोर्ड की लेंथ और विड्थ कितनी होती है, 1.80 मीटर और 1.05 मीटर। कितनी होती है इसकी लेंथ और विड्थ, 1.80 मीटर और 1.05 मीटर। और इसमें दो लगे होते हैं, दो इस रेक्टेंगुलर होते हैं, एक आउटसाइड एक इनर साइड। इनसाइड का कितना होता है, 0.59 मीटर उसकी वो जो होती है लेंथ होती है, और विड्थ कितनी होती है, 0.45 मीटर। अब इस पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसमें, वो ये पूछा जाता है कि ग्राउंड से बास्केट रिंग की डिस्टेंस कितनी होती है। ग्राउंड से बास्केट रिंग की डिस्टेंस कितनी होती है, तो कितनी होती है, 3.05 मीटर। इसको हम लोग 10 फिट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 10 फिट। ये मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बास्केट रिंग की डिस्टेंस क्या होती है ग्राउंड से बास्केट रिंग की डिस्टेंस, तो 3.05 मीटर, जिसको हम लोग 10 फिट भी कह सकते हैं। और पूछा जाता है ग्राउंड से रेक्टेंगुलर जो बना होता है जिसमें बास्केट रिंग अटैच होती है, इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, 2.90 मीटर होती है।
अब बास्केट के बारे में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो पूछा जाता है डायमीटर कितना होता है बास्केट रिंग का। ये जो बास्केट है, मैं बहुत अच्छी आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, बट एक छोटा सा आपको दिखाया हुआ है कि कैसी होती है बास्केट। बास्केट जो होती है, जो रेक्टेंगुलर बोर्ड होता है, उससे 15 मीटर निकली हुई होती है, 15 सेंटीमीटर बाहर को होती है ये। इसका डायमीटर कितना होता है, 18 इंच। ये बास्केट है आपकी, बास्केट में ये होता है डायमीटर, ये डायमीटर कितना होता है, 18 इंच होता है, और इसको हम लोग 45 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये होती है डायमीटर बास्केट रिंग की, कितनी होती है, 18 इंच, और इसको हम लोग 45 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। चलिए अब इसमें जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे बॉल है उसकी देखते हैं वेट क्या होता है फॉर मेन्स और वुमेन्स के लिए। तो बॉल है, बॉल का वेट क्या होता है फॉर मेन्स के लिए, तो 600 to 650 ग्राम होता है, जिसको हम लोग 20 औंस भी बोल सकते हैं। औंस को हम लोग OZ भी लिखते हैं। आप लोग प्लीज़ कन्वर्ट करके देखना इसको कि कैसे कन्वर्ट करते हैं ग्राम को औंस में, मैंने एक कन्वर्जन वाली वीडियो दी थी, आप लोग उसको देखना कैसे कन्वर्ट करते हैं। और वुमेन्स के लिए कितना होता है, 510 to 567 ग्राम होता है, जिसको 22 औंस भी बोल सकते हैं हम लोग। सर्कमफ्रेंस कितना होता है फॉर मेन्स के लिए, तो 72 to 75 सेंटीमीटर होता है फॉर मेन्स के लिए। फॉर वुमेन्स, वुमेन्स के लिए होता है 75 to 78 सेंटीमीटर, ये इसकी सर्कमफ्रेंस होती है। अब हम देखते हैं बास्केटबॉल, बास्केटबॉल की हिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि बास्केटबॉल गेम वॉज इन्वेंटेड इन 1891। बास्केटबॉल गेम कब इन्वेंट हुआ, तो 1891 में हुआ, स्प्रिंगफील्ड। एक स्प्रिंगफील्ड आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, वो मैंने उसमें भी वॉलीबॉल में भी बताया था, स्प्रिंगफील्ड में, स्प्रिंगफील्ड मैसाचुसेट्स USA में हुआ था। कहाँ हुआ था, USA में हुआ, कब हुआ, 1891 में हुआ है। बास्केटबॉल गेम वॉज इन्वेंटेड बाय, ये किसके द्वारा इन्वेंट हुआ है, तो सर जेम्स नाई स्मिथ। किसके द्वारा, सर जेम्स नाई स्मिथ के द्वारा। नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं बास्केटबॉल गेम में, तो टोटल 12 प्लेयर्स होते हैं, जिसमें लिख देती हूँ यहाँ पर, टोटल 12 प्लेयर्स होते हैं, जिसमें 5 खेलते हैं और 7 सब्सिट्यूट होते हैं। अब बास्केटबॉल गेम स्टार्टिंग कैसे होता है, यानी कि बिगिन कैसे होता है, तो जंप करके बॉल को, जंप करके। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बास्केटबॉल गेम की स्टार्टिंग कैसे होती है, तो जंप करके होती है बॉल को। टाइम ड्यूरेशन क्या होती है इस गेम की, तो टोटल 40 मिनट्स का होता है, जिसमें 10 मिनट आपको गेम खेलना होता है, 2 मिनट का ब्रेक होता है, फिर 10 मिनट का गेम होता है, फिर 10 मिनट का इंटरवल होता है, फिर 10 मिनट का गेम, फिर 2 मिनट का ब्रेक, फिर 10 मिनट का गेम होता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रूल्स दैट आर गिवन इन ऑफिशियल बास्केटबॉल बुक, एक ऑफिशियल बास्केटबॉल बुक है, उसमें रूल्स जो दिए गए वो कितने दिए गए, टोटल 8 रूल दिए गए हैं। अब इम्पॉर्टेंट, ये रूल बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं मोस्टली बास्केटबॉल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो ये रूल बहुत पूछे जाते हैं। तो पहला रूल का है, क्या है, 3-second rule। 3-second rules में क्या देखना है, एनी प्लेयर ऑफ ऑफेंसिव टीम इज नॉट अलाउड टू स्टे इन रिस्ट्रिक्टेड एरिया। हमने बताया था आपको जब मैं कोड दिखाया था उसका बास्केटबॉल का, तो इसमें एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, कोई भी ऑफेंसिव टीम का कोई भी प्लेयर, उसको अलाउ नहीं होता है कि वो 3 सेकेंड से ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड एरिया में अलाउ स्टे कर सके, क्या कर सके, स्टे कर सके। कौन से एरिया में, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, कितने सेकेंड से ज़्यादा, 3 सेकेंड से ज़्यादा किसी भी प्लेयर को अलाउ नहीं होता है कि वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में स्टे कर सके। अब नेक्स्ट है 5-second rule। 5-second rule में क्या होता है, इसमें होता है कि प्लेयर्स, कोई भी प्लेयर होल्ड नहीं कर सकता बॉल को 5 सेकेंड से ज़्यादा, 5 सेकेंड से ज़्यादा कोई भी प्लेयर बॉल को होल्ड नहीं कर सकता। 8-second rule क्या होता है, इट इज़ गिवन फॉर कोर्ट चेंज। आपको 8 सेकेंड के अंदर कोर्ट को चेंज करना होता है, कितने सेकेंड के अंदर, 8 सेकेंड के अंदर। 20-second rule क्या होता है, इट इज़ फॉर सब्सटीट्यूशन ऑफ प्लेयर। 20 सेकेंड के अंदर ही अंदर आपको सब्सटीट्यूट करना होता है, अगर आपको प्लेयर को सब्सटीट्यूट करना है तो कितने सेकेंड के अंदर, 20 सेकेंड के अंदर आपको सब्सटीट्यूट करना होता है प्लेयर्स को। 24-second rule क्या कहता है, ईच टीम इज गिवन फॉर 1 अटैक। तो हर टीम को दिया जाता है 1 अटैक के लिए, कितना टाइम दिया जाता है, 24 सेकेंड आपको दिए जाते हैं अटैक करने के लिए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ये बताती हूँ। जैसे आप लोग के नंबर याद कर लीजिए, जैसे वो नंबर है 3 है, 3 सेकेंड में क्या होता है, 5 सेकेंड में क्या होता है, 8 सेकेंड में, 20 सेकेंड में, 24 सेकेंड में, ये पूछे जाते हैं। पूछा जाता है, जैसे कोई बास्केटबॉल दे देंगे, बास्केटबॉल के रूल में दे देंगे कि कौन सा रूल बास्केटबॉल में अप्लाई होता है, 3, 5, 3 कर देंगे और इसमें कहीं डिजिट चेंज कर दें। आप लोगों को डिजिट मेन याद करना है, 3, 5, 8, 20, 24, और कौन सा कब कौन सा रूल किस में अप्लाई होता है, डिजिट ये लोग चेंज कर रहे हैं, तो डिजिट याद कर लीजिएगा आप लोग। फर्स्ट अर्जुन अवार्ड विनर ऑफ बास्केटबॉल पूछा जाता है, पहला अर्जुन अवार्ड विनर कौन है बास्केटबॉल का, तो सारा अभिजीत सिंह,
कप जीता था इन्होंने 1961 में जीता था। कौन है? सरबजीत सिंह है, फर्स्ट अर्जुन अवार्ड विनर है ये बास्केटबॉल के। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, इसको हम लोग NBA भी कहते हैं शॉर्ट में, ये कब फॉर्म्ड हुआ था? 6 जून 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 6 जून 1946 में हुआ था। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? NBA कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। अब हम लोग देखते हैं फीवा, फीवा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल एसोसिएशन। ये कब फॉर्म्ड हुआ था? ये 1932 में फॉर्म्ड हुआ था। इसको शॉर्ट फॉर्म में FIBA भी बोलते हैं। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको BFI बोला जाता है, ये कब फॉर्म्ड हुआ था? 1950 में फॉर्म्ड हुआ था। बास्केटबॉल वॉज इंक्लूडेड इन ओलंपिक गेम्स फॉर मेंस के लिए कब इंक्लूड हुआ है बास्केटबॉल? तो 1936 में हुआ है। और फॉर वुमेन्स के लिए कब हुआ है? तो 1976 में हुआ है। बास्केटबॉल वॉज इंक्लूडेड इन एशियन गेम्स, बास्केटबॉल एशियन गेम्स में कब इंक्लूड हुआ है? तो 1951 में हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप कब हुई है बास्केटबॉल की? तो 1950 में हुई है। फर्स्ट इंडियन नेशनल चैंपियनशिप फॉर मैन वॉज स्टार्टेड इन, कब स्टार्ट हुई है? 1934 में हुई है। क्या? फर्स्ट इंडियन नेशनल चैंपियनशिप फॉर मैन 1934। ये कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं बास्केटबॉल्स में। मैंने जितने भी पॉइंट थे बास्केटबॉल से रिलेटेड इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। अगर आप लोग इसका एग्ज़ाम देते हो और कोई भी डाउट होता है आपको, तो आप मुझसे प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। चलिए, थैंक यू, ओके, बाय बाय।